ग्लोबलाइजेशन क्या चीज होती है, मार्केट से वो कैसे कनेक्टेड होती है, तो उसका एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है और वो फैक्टर ये है कि एमएनसी जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, एमएनसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत लेकर आती है। तो ये आपको प्रूव करना है कि हाउ दिस वी विल सी आज ही का एजेंडा है। साइमल्टेनियसली हम दो टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, वन इज इन्वेस्टमेंट एंड सेकेंड वन इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बच्चों फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आ चुका है, पूछा जा चुका है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। पर उससे पहले आपको पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स क्या चीज होती है। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, द मनी दैट इज स्पेंड टू बाय एसेट्स सच एज लैंड बिल्डिंग मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। कोई भी चीज जो आप ये सोच के खरीदते हो कि बाद में मुझे इसका रिटर्न मिलेगा, इससे ज्यादा ही मिलेगा, अगर मैं आज 2 रुपए की कोई चीज खरीद रही हूँ तो ये मुझे 4 रुपए का काम कर देगी या मुझे बदले में कुछ देगी उससे ज्यादा, उसको आप इन्वेस्टमेंट बोलते। इससे कुछ भी हो सकता है बच्चों, लैंड हो गई, आपने आज एक जमीन खरीदी, कल आप उस पर घर बना सकते हो, फैक्ट्री बना सकते हो, उसको बेच सकते हो, तब भी वो आपको ज्यादा ही पैसे देगी। बिल्डिंग हो गई, मशीन्स आपको आउटपुट देती हैं, आप कभी इंडस्ट्री फैक्ट्रीज में कोई भी मशीन लेकर आते हो तो वो कभी लो वैल्यू नहीं होती, वो हमेशा एक इन्वेस्टमेंट होती है क्योंकि वो आउटपुट देती है, उसी की वजह से इंडस्ट्री चल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और अगर यही चीज, यही इन्वेस्टमेंट, यही पैसा अगर फॉरेन कंपनी यानी कि कोई एमएनसी वो लगाती है तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय एमएनसी। अगर कोई एमएनसी इस तरीके से चीजें खरीदती है तो दैट इज, देखो खरीदने से मतलब ये है कि आप अगर कोई चीज ऐसी बाहर किसी कंट्री में यूज खरीद रहे हो और चला रहे हो जिसको कि आपको उम्मीद है कि वो आपको रिटर्न देगी कल, तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऐसे समझ लो कि आप कल जापान जाके कोई बड़ी सी मशीन खरीद लेते हो और वहीं पे रख देते हो या यहाँ मंगा लेते हो ये सोच के कि ये मशीन मेरा आउटपुट डबल कर देगी, तो डेफिनेटली वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। वैसे यहाँ नहीं लाओगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं मानी जाएगी, वहीं चल रही है वो मशीन जो आपने खरीदी है और आप वहीं आउटपुट ले रहे हो और आउटपुट वहीं से सेल कर रहे हो, तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। या आपने अपना कोई ऑफिस खोल दिया अमेरिका में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आपने कोई जमीन ले ली, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। समझ रहे हो, ये सब फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में आते हैं। तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हो गई, ये इन्वेस्टमेंट हो गई। और अब आएंगे आज के मेजर टॉपिक की तरफ कि हाउ एमएनसीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। लेट्स सी इन आवर, ओके स्टूडेंट्स, लेट्स फोकस हियर नाउ। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, आपको देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड ही है नहीं, दिस इज वेरी इजी। लेट्स सी स्टेप बाय स्टेप कि एमएनसी कैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है, इट इज अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन व्हाटएवर कंट्री इट वर्क्स। ठीक, जैसे अब हम एक इंडिया का एग्जांपल लेते हैं और कोई भी एक ब्रांड बना लेते हैं। लेट्स सपोज ये एमएनसी ब्रांड बनाती है, ब्रांड नेम बना लेते हैं इसका जेके, ओके, जे डॉट के। और ये किस चीज को प्रोड्यूस करती है, इट प्रोड्यूस जीन्स, जीन्स बनाती है। ठीक है, ये मानकर चलते हैं कि जेके की जीन्स ब्रांड नेम पे हमें मार्केट तक पहुंचानी है। नाउ दिस इज द कंपनी, तो ये क्या करेगी, ये इंडिया में बेसिकली ये प्रोड्यूस हुई है, बाहर की कंपनी है, कपड़ा बाहर से आता है। ठीक है, कपड़ा आता है इसका, आप कोई इटली से मान लो, ठीक है, इटली से कपड़ा आया और उसने क्या किया, यहाँ पे कपड़ा लाके, क्योंकि यहाँ पे लेबर बहुत सस्ती है, यहाँ पे लोगों को स्टिचिंग बहुत अच्छी आती है, यहाँ डिजाइनिंग बहुत अच्छी आती है, तो अब ये क्या करेगी, जस्ट सी एमएनसी ने क्या किया, पहला स्टेप इसने अपना वो कपड़ा, रॉ कपड़ा दे दिया स्टिच होने के लिए टू सम विलेज, या इसकी लेबर बहुत सारे लोगों में बांट दिया जो स्टिचिंग में बहुत अच्छे थे, बहुत फाइन क्वालिटी की स्टिचिंग करना जानते थे। ठीक है, उन्होंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मैंने उस लोकेशन को नाम दिया है ए। प्रोजेक्ट टाइम होता है, डे डिसाइड हो जाता है कि फॉर एग्जाम्पल आप कितने टाइम में इतना कपड़ा स्टिच करके दे दोगे, इट माइट बी 6 मंथ, इट माइट बी 3 मंथ्स। ठीक है, 3 to 6 months या आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, मैंने यहाँ रफ एक आइडिया ले लिया है, फाइन। अब 3 से 6 महीने के बाद, जरूरी नहीं है उन्होंने ए लोकेशन को ही सारा कपड़ा दिया हो, उन्होंने अलग अलग इंडिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोकेशन पर अपना ये रॉ क्लोथ स्टिचिंग पर दिया होगा, क्योंकि बहुत मास राउंड पर इनको चीजें चाहिए होती है।
तो उन लोगों ने इनको वापस दिया होगा, रिटर्न किया। अब रिटर्न होने के बाद इन्होंने इसकी डिजाइनिंग के लिए भेजा। अब कुछ लोग डिजाइनिंग में बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, तरीके तरीके की उस पे पॉलिशिंग करना जानते होंगे, डिजाइनिंग बहुत बढ़िया तरीके से करना जानते होंगे कपड़े की। तो उन्होंने फिर से किसी एम्प्लॉयर को, लोकल प्रोड्यूसर को, जो लोग लोकल हैं, क्योंकि उन लोकल पीपल को पता होता है कि भाई क्या मार्केट की क्या डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट है, ये उन लोगों को पता होता है, ठीक है। तो उन डिमांड को, उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए ये लोकल आदमी को ही काम देते हैं, क्योंकि वो जानता है कि इस एरिया में क्या चीज बेस्ट चाहेगी, क्या चीज लोगों को पसंद है, लोगों को कैसा पहनना पसंद है, वो कैसा कंफर्टेबल रहते हैं। बाहर की आई हुई कंपनी उस पर्टिकुलर एरिया की रिक्वायरमेंट्स को नहीं जानती है, लोकल बेहतर जानता है, तो इसलिए लोकल को देते हैं। डिजाइनिंग लोकल को दे दी, लोकल को पता है कैसी पसंद आएगी, लोकल ने की और इनको रिटर्न कर दिया। ये भी प्रोजेक्ट बेसिस पर देंगे, मे बी 1 to 2 month, ठीक है, ये हमारे अपने एनालिसिस। अब इनके पास और भी इसमें बच्चों बहुत सारे प्रोसेस रहेंगे। मैंने तो एग्जांपल के लिए दो ही प्रोसेस लिए हैं यहाँ, डिजाइनिंग और स्टिचिंग। हजारों चीजें होती हैं जो करवाते हैं ये लोकल पीपल से एरिया के, सबने की और कर करा के इनको वापस कर दी। यानी कि सारा काम किसका है, मेहनत किसकी है, हमारी लोकल पीपल की। अब एमएनसी क्या करेगी, जब सब कुछ उसके पास तैयार होकर आ जाएगा, उस पर टैग लगा देगी अपने नाम का टैग, और अपनी ब्रांड वैल्यू उस पर चिपका देगी। आप टैग देखते हो ना, सारे ब्रांड पर उसका टैग लगा हुआ होता है, ठीक है। आप चाहे डेनिम का देख लीजिए, या आप कोटल का देख लीजिए, ठीक है, पीटर इंग्लैंड का देख लीजिए, कैंटाबिल का देख लो, टैग लगा होगा, ठीक। वो टैग आपको बता देता है कि ये कौन से ब्रांड का है। तो अपना टैग लगा देंगे, और टैग लगाने के बाद अब मार्केट में उन लोगों को बताना है कि भाई ये कंपनी से आई है, ये चीज कंपनी से आई है, डिजाइनिंग हमारी है, स्टिचिंग हमारी है, कपड़ा हमारा है। और उसके बाद ये करेंगे प्रमोशन, तो प्रमोशन में भी हमें एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। प्रमोशन किस कहाँ करेंगे, इंडिया में तो करेंगे, तो कुछ इंडिया के लोग लगे होंगे जो एक्टिंग में लगे होंगे, प्रमोटिंग में लगे होंगे, ठीक, उनको ये पैसा देंगे। तो इन टर्न मनी फ्लो हो रही है बेटा, यहाँ हुई, इनको भी काम दिया, इनको भी पैसा दिया, देखो यहाँ पे भी काम दिया। तो ये अगर आई है कंपनी बाहर से यहाँ पे कुछ बेचने, तो वो काम भी तो दे रही है लोगों को। दैट इज वाई हम कभी भी कंपटीशन को, जो मार्केट में बढ़ता है, उसको रोकते नहीं है, उसको फ्लो होने देते हैं, क्योंकि उससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं। तो आपने देखा कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं। अभी भी ये सीरीज खत्म नहीं हुई है। अब डायरेक्ट कंपनी से या ब्रांड से तो आप लेने जाओगे नहीं सामान, तो आप कहाँ से लोगे। आपने देखा होगा ब्रांड्स के शोरूम्स बने होते हैं, वहीं सामान मिलता है। तो ये लोग फ्रेंचाइजी दे देते हैं, मैंने एफ से डाला हुआ है इसको, रॉयल्टी दे देते हैं इन लोगों को। आप रॉयल्टी बोल लो, फ्रेंचाइजी बोल लो, ठीक है, एफ लिख दिया मैंने सब में। ये सब अलग अलग जगहें हैं जहां पे आपको इस ब्रांड के शोरूम मिलेंगे जो फ्रेंचाइजी लिए होंगे, और बस यही बेचेंगे इसको इनके टर्म्स पे, ठीक। अब वहां से फ्लो होगा लोगों के पास, मार्केट में कपड़ा जा रहा है, इन लोगों को पता है कि कैसे टारगेट करना है पीपल को, और ये कपड़ा बेचना है। तो ये फ्रेंचाइजी जिसको हमने दी है, उसको भी एम्प्लॉयमेंट ही तो मिला एक तरीके से। उसको ये कपड़ा दे रहे होंगे 100 रुपए का, वो बेच रहा है 1000 रुपए का, 900 रुपीज का काम और प्रॉफिट इसी को हो रहा है। तो काम देखो कितने लोगों को मिल रहा है एक एमएनसी यहाँ सेटअप होने से। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक एमएनसी अगर बाहर से आती है, कोई ट्रेडिंग करती है, तो वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करती है, ठीक है। तो इसको मैंने आज यहाँ लेक्चर में नोट फॉर्म में नहीं लिखा है अभी, रीजन ये था मैं चाह रही थी आप इस तरीके से समझो, डायग्रामेटिक फॉर्म में समझो, तो ये ज्यादा जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। नोट फॉर्म में मैं पीडीएफ में दे दूंगी, उसकी चिंता मत करना, ठीक। तो ये आप कह सकते हो एक तरीके से ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया एक एमएनसी का। ये क्वेश्चन आएगा इसलिए ध्यान में रखना, ये एक एमएनसी का पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जहां पर भी काम करती है वहां पर क्रिएट कर देती है, ठीक। बहुत ज्यादा आज हम इसको एग्जैक्रेट नहीं करेंगे, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो दैट इज इट। मैं और ज्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी आज, टॉपिक को आगे लेके नहीं जाऊंगी, क्योंकि सब मिक्स हो जाएगा। इतना समझ लो, कोई प्रॉब्लम हो यहाँ तक तो पूछ लो, एनसीईआरटी पढ़ते रहो, रीडिंग मेक रीडिंग योर हैबिट एंड बुक्स योर फ्रेंड। ओके, विल स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, वी मीट इन द सेकंड लेक्चर इन द अपकमिंग लेक्चर। टिल देन हैव अ गुड डे।